Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. Firstly, I would like to apologize to you all कि last vlog मैं बहुत ही abruptly खत्म कर दी थी. मैं आप लोगों को vlog में बहुत बार बोल भी रही थी कि Flurry and Kiara were not doing well. But वो ठीक हो गया था, बट अचानक से उस दिन दोनों का तबीयत फिर से ख़राब हो गया. कियारा स्टार्टेड पूपिंग इन एवरी 15 मिनट्स. फ्लरी ऑल्सो शी वॉज वॉमिटिंग दैट वाइट फोम. सो वी वर वेरी वेरी स्केयर्ड एंड वी हैड टू टेक देम टू द वेट इमीडिएटली दैट डे फॉर अ री चेकअप. वेट ने मेडिकेशंस भी चेंज कर दिया है. फाइनली एंटीबायोटिक्स ही शुरू करना पड़ा क्योंकि दूसरे मेडिसिन से काम नहीं हो रहा था. इसके बीच में दो दिन हो गया है. अभी आज इनका थर्ड डे है एंटीबायोटिक्स का. 3 दिन का ही कोर्स दिया, एक स्टूल टेस्ट दिया था. एंटीबायोटिक्स खाने के बाद स्टूल आया ही नहीं, तो कैसे स्टूल टेस्ट के लिए भेजूँ. हमने बुक करके रखा है, हमने कहा है कि जिस भी दिन वो सुबह पॉटी करेंगे हम आपको कॉल करेंगे, आप आके कलेक्ट कर लेना. कलेक्ट करने के लिए जो डब्बा चाहिए वो भी रेडी करके रखे हैं. फिलहाल दोनों मेडिकेशन पे है, अब देखते हैं. अब खाने में थोड़ा सा तो एंटीबायोटिक्स चलता है तो खाने को लेके थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. जैसे नॉर्मल जो खाना खाती थी वो खाना नहीं चाहती है. डॉक्टर ने रॉयल कैनिन का एक डाइजेस्टिव कैन दिया है, वो एक दिन बहुत मज़े से खाई, सेकेंड दिन से नहीं खाना चाहती है. तो अभी कभी बॉयल्ड चिकन दे रही हूँ, चिकन सूप दे रही हूँ, जो टच फूड अभी तक अच्छे से खा रही है. एंड टुडे इज़ होली, तो हैप्पी होली टू ऑल माई लवली व्यूअर्स. आई विश यू ऑल अ हैप्पी एंड कलरफुल अपकमिंग डेज. होली है तो भगवान के लिए थोड़ा सा फूल मिठाई लाऊंगी, तो इसलिए दीपांजन गया है मार्केट. और बस दीपांजन के निकलते ही उसके चप्पल के सामने बैठी है हमारी क्यूक्यू. चिकन खावे ना, चलो चिकन खाबो, चलो चलो. हाँ चिकन खाबो, चिकन खावे तो. ओए बाबा ले, फ्लरी का नींद अभी तक अच्छे से टूटा नहीं है ना बाबा. डैडी को धाय मामा, डैडी को क्यों, डैडी को देखी तो. डैडी एखाने एसे थी ना, देखी तो एसो. डैडी को धाय. फ्लडू तुम कैसे हो, सबको बोल दो मेरी फ्लादू फ्लादू कैसी है, अमेली क्यू क्यू कैसी है. हमारी क्यू क्यू का कुछ भी होता है ना तबीयत खराब, तो सबसे पहले वो खुद बहुत डर जाती है और उस स्ट्रेस से वो खुद और बीमार पड़ती है. बट दीपांजन बोलता है कि मैं स्ट्रेस करती हूँ तो वो सेंस करके और ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, बट ये सच नहीं है, है ना मामा, ये सच नहीं है ना क्यू क्यू, ये सच नहीं है ना. ये जो ऑटो स्प्रे है एयरविक का, इसके स्प्रे के नॉइस से कियारा काफ़ी रिएक्ट करती है. उसको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या है. एंटीबायोटिक्स चल रहा है तो थोड़ा सा ड्राउजीनेस तो है दोनों में. फुल ऑन गर्मी चालू हो गया है. अगर आप फैन के नीचे बैठे हो तो उतना तकलीफ नहीं है, बट अगर आप कंटिन्यूसली कुछ काम करते रहते हो ना तो काफ़ी तकलीफ होती है. और मीठू घर गई है, जैसे मैंने कहा था मीठू गई है वेंसडे रात को, वो वापस आएगी. मतलब यही बात हुआ है कि मंडे सुबह, तो ये 4 दिन अभी हमको ही सब कुछ चलाना पड़ रहा है. किचन तो मैं ही संभाल रही हूँ, बाकी के काम में दीपांजन को एक्चुअली नया जॉब है तो उतना टाइम नहीं मिला है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं मुझे हेल्प करने की. हम लोग वैसे भी सिंपली खाना खाते हैं, मैं बनाऊँ या कोई और बनाए, बट मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है, सिंपलर फॉर्म हो जाता है उसका. तो आज आलू और परवल यहाँ पे काट के रखे हैं. गर्मी आ रहा है तो यही टाइम है फ्रेश फ्रेश परवल लाने की. और उसके साथ होगा कतला फिश. कतला फिश का एकदम वेजीज वेजीज डाल के पतला सा झोल बनाऊंगी. फ्लरी कियारा का चिकन जो फ्रेशली बॉयल्ड होगा, और उसका जो स्टॉक है वो उनको थोड़ा सा दूंगी, फिर दोनों थोड़ा सा बॉयल्ड चिकन खाएगी. ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है, दीपांजन वापस आएगा तो हम लोग आज मैगी खा लेंगे. अभी जैसे बैठने का बिल्कुल ही टाइम नहीं है. खाना बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम है क्योंकि फिश थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ्रॉस्ट होगा, तो मैं उसके बीच में घर का एक एक जगह क्लीन करती रहती हूँ. जैसे कि कल मैंने वार्डरोब का एक पोर्शन पूरा सेटल कर लिया है, आज मैं सोच रही हूँ कि क्रॉकरी यूनिट सेटल करूँगी. ये देख के तो लगेगा कि ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसमें क्या करूँगी, बट द प्रॉब्लम इज़ इसको ऐसे रखने के लिए बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. जिसके लिए मैंने ये डिश रैक्स मंगवाए हैं, तो इससे आज सोच रही हूँ कि खाना बनाने से पहले ये जगह सेट कर लूँ. सो द क्रॉकरी यूनिट इज सेट जैसे मैं चाहती थी. थोड़ा सा जगह भी निकला है. ये सारे फ्लावर वास जब निकल जाएगा तो यहाँ पे और थोड़ा सा जगह आ जाएगा. और देखो कौन देखने आ गए. क्यों भालो हो चे? भालो हो चे? क्यों क्यों को बड़ा इंटरेस्ट है वो देखने में. अभी हम लोग जब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं ना कोई जगह, तो एक तो पर्पज उसका प्राइमरी पर्पज ज़रूर ये होता है कि उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे, ताकि सारी चीज़ें आंखों के सामने रहे, हमें जब ज़रूरत है तो हमें मिले, सारी चीज़ें यूज़ हो. बट जो सेकेंडरी पर्पस होता है वो ये भी होता है कि थोड़ा सा जगह अगर निकल सकता है तो निकले, ताकि हम कुछ और नया चीज़ें ले पाए.
तो ये जगह मैंने सेट कर दिया है। कुछ चीज़ें मैंने किचन के कैबिनेट में ट्रांसफ़र किया है कि जैसे कि रेगुलर के ग्लास, कप्स, मग्स, ये सब तो क्रॉकरी यूनिट में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। दिस क्रॉकरी यूनिट इज़ एक्सेसिबल ओनली बाई मी एंड नोबडी एल्स। कि ये पोर्शन में मैंने सारे कप्स और मग्स सजा दिया है और ग्लासेस भी पीछे, क्योंकि इसके नीचे रहता है चाय, कॉफ़ी, ये सब का सेक्शन। दीपांजन फूल लेके मंदिर के पास रख दिया। मैंने आप लोगों को अभी तक मंदिर नहीं दिखाया कि यहाँ पे मैंने मंदिर कैसे सेट किया है। ये है वो जाने पहचाने पुराने से बोल में मेरे मैगी फिर से। तो फुल बैंगलोर फीलिंग, दैट सेंटर टेबल, दीज कोस्टर्स, उसके साथ ये होम सेंटर के बोल्स, वहाँ पे जो सोसाइटी है वो वाले, वहाँ पे सुबह से बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, डांस, यहाँ पे एक स्टेज बना है, हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बट बच्चों का पूरा सुबह से प्रोग्राम चल रहा है। तो कोलकाता में रहने का ये एक पार्क है कि जो भी आपका रीजनल प्रोग्राम्स है, जो भी सेलिब्रेशन है, वो हर चीज़ आप घर पे बैठ के भी सेलिब्रेट कर सकते हो, महसूस कर सकते हो एटलीस्ट। हेलो मामा, द गुड न्यूज़ इज़ फ्लरी ने चिकन खा लिया है, फ्रेशली बॉयल्ड चिकन। फ्लरी के मामा भी थोड़ा सा खाना खा ले। क्या चाहिए फ्लदुम को? ओ फ्लदुम, फ्लदुम वो कपड़े सुखाने दे दो ना फ्लदुम। ओ फ्लदुम, हाँ प्लीज़ फ्लदुम कर दो ना मम्मा, कर दो ना मम्मा, कुछ बाबा कर दो ना बेबी। फ्लरी थोड़ी सी मुश्किल में पड़ गई है, बहुत होली का एकदम म्यूजिक एंजॉय कर रही थी बालकनी में बैठ के, बट सडनली किसी ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया है। पहले डरती नहीं थी, पहले पटाखों से डरती नहीं थी, बट अभी शायद कियारा को देख देख के ना उसने भी वो अडॉप्ट कर लिया है कि पटाखे की आवाज़ से डरना चाहिए। हाँ, जब जब बेबी थी तब नहीं डरती थी, अभी बड़ी होकर डर लग रहा है। क्यों क्यों तो पागल कर देती है, ये देखो अभी ये शुरू हो गया क्यों क्यों का, एक बार चढ़ेगी अभी छोड़ेगी नहीं। खाना बनाने जाऊँगी ऐसे पजामा पकड़ के खींचेगी, लगेगा खोल ही देगी, वो अभी बैठने नहीं देगी, अभी उसको चिपक के रहना है ऐसे ऐसे, आधा मेरे गोदी में आधा सोफे पे ऐसे करके बैठे रहना। अब पता नहीं सुबह सुबह होली के दिन कौन पटाखे फोड़ रहे, तो वो लोग तो मज़े कर रहे हैं बट मेरा तो हो गया। तो मैं डर लेगी जे डर, दोनों के बाल ना बहुत बड़े हो गए, बहुत जल्दी ग्रूमिंग पे लेके जाना पड़ेगा, पूरा आँख एकदम कवर हो रहा है। बट ग्रूमिंग पे इसी हफ्ते जाने वाले थे दोनों, हम सोचे थे शिफ्टिंग हो जाए वीकेंड में, वीकडेज में लेके जाएंगे, बट ये तबीयत ख़राब होने के चक्कर में फिर हमने वो प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन किया। अब जितना जल्दी हो सके ये करवा लेना पड़ेगा। और थोड़ा सा फ़ैन का नॉइज़ आए ना बैकग्राउंड में, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, प्लीज़ कुछ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं बच्चों को बिना फ़ैन के नहीं रख सकती। क्यों 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 किचन में क्या देखने आई है? तो मासी आके सब कुछ बर्तन झाड़ू पोछा करके चली गई है, और यहाँ पे मेरा फिश करी रेडी, देखने में अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ पे होली सेलिब्रेशन चल रहा है, अभी तो भीड़ कम हो गया है, सुबह और भी भीड़ था। मैं दूसरों को देख के मुझे होली खेलने का मन होता है, बट ऑलमोस्ट लास्ट तीन चार साल से पता ही नहीं कि होली क्या है, मैं भूल ही गई हूँ, खेली ही नहीं हूँ। किया ना क्यों है जमा, वो चारों तरफ से इतने सारे नॉइज़ आ रहे हैं, कहीं से पटाखों की नॉइज़, कहीं से ये म्यूज़िक, कहीं से लोग चिल्ला रहे हैं, तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो रही है और डर भी रही है। नहाने चली जाऊंगी, ही इज़ डन। तुम्हें कैसा लग रहा है ऐसे नए टेबल पे बैठ के काम करना? पियोली, नया टेबल अभी सजाया नहीं है, मत दिखाओ ना, अपना चीजें तो दिखाती नहीं हो, सजाया नहीं वो तो दिखाती नहीं हो कभी, मेरा सामान आया तो उसमें बस सबको दिखा दो, तुम्हारा और मेरा क्या है, दीपांजन ने कैसे जो तेरा है वो मेरा है, नहीं वो तेरा मेरा जो भी है, बट अभी तो हमारा है ना। बट तुम इसमें और क्या सजाओगे? अभी सजा नहीं हो तो सजाएंगे, उसका एक चेयर रहेगा बस, मैं बता देती हूँ, सजाना मतलब वही एक अच्छा सा चेयर रहेगा। ये तो डाइनिंग टेबल का चेयर है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, अच्छा हाँ थोड़ा ऑफिस वाला फील आएगा इसमें। ओके, तो अभी आप लोग ऑफिस नहीं वाला लुक देख लो, ताकि बाद में डिफरेंस समझ में आए। तो मेरा वॉयस वगैरह इधर उधर से जा रहा है, बाद में सब ठीक होगा। और इसका क्या करोगे? उसको दे देंगे मासी को, मासी के बेटे इसमें पढ़ाई करेंगे, मासी ने बोला है। अच्छा तो ये रूम देखिए बिल्कुल साफ हो गया है, पहला लास्ट दिन जब दिखाई थी इसमें पूरा बैग्स वैग्स पड़ा हुआ था, सब अभी ऊपर चला गया है कैबिनेट्स में। वाला जो क्लॉक है ये पापा ने हमें गिफ्ट किया था बैंगलोर में, हमारे घर का पहला क्लॉक पापा ने गिफ्ट किया था, तो वो दीपांजन ने यहाँ पे ऑफिस में लगाया है। चलो हम चले जाए, डैडी काज करबे, ये तो चले गई पापा तो चल रही है।
फैन ऑन करके फिर दरवाजा बाहर से रिक्वेस्ट करो, प्लीज फैन ऑन कर दो और उसके बाद थोड़ा दरवाजा बाहर से खिड़की दरवाजे को लॉक करके फिर ठीक है। ओके अच्छा मामा गो विद मामा एचो क्यों डैडी ऐसा हमेशा प्यार नहीं करते, आ जाओ डैडी इज नॉट मामा कि 24/7 अवेलेबल फॉर यू, देखो कहाँ बैठ गई क्यों आ जाओ। क्यू को जब भी डर लगता है वो ऐसे करती है, और इसको देखो मैडम जी को, इसका तो और अच्छा बीच में ताकि तीनों रूम का एक्सेस रहे उसके पास। बाय सिया, लंच के टाइम कटार समय लंच करते पारबे? फ्लरी एक्चुअली उतना तो बदमाशी नहीं करती है, बट क्यू बहुत ज़िद्दी है, उसको कुछ नहीं खाना है या पीना है तो नहीं पीना है। तो जैसे कि ये वाला एंटीबायोटिक का टेस्ट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पे बिठा के फिर खिलाती हूँ ताकि उसको कहीं जाने का जगह ना रहे। बट शी लव सिटिंग ऑन दिस टेबल, मैंने तो एंटीबायोटिक्स पिला दिया बट अभी देखिए कि आराम से बैठी है। क्यों नीचे नहीं आना है? तो यहाँ पे मैंने अपने मंदिर ऐसे सेट किया है, लास्ट फ्लैट में तो ये मंदिर था ही नहीं, बैंगलोर में था तो वहाँ पे भगवान के लिए कोई भी सेपरेट जगह हम अरेंज नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे जैसे मैं दिया रखती हूँ, अगरबत्ती देने का एक ट्रे रखती हूँ, वैसे ही रखा है। ये है मेरे मंदिर, आज होली है तो इसलिए भगवान को थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अबीर जिसको गुलाल बोलते हैं वो दिया है, स्वीट पानी ये तो रेगुलर देती हूँ। आज मंदिर को थोड़ा ज़्यादा सजाई हूँ क्योंकि होली है, इसलिए यहाँ पे काली माँ का फोटो है, ये बुम्बा ने दिया था जब वो आया था बैंगलोर, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद एंड शारदा माँ का पिक्चर, और ये एक लक्ष्मी गणेश का और एक फ़ोटो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो मैं वो भी यहाँ पे रखी हूँ। दीपांजलि छोटा सा बुके लेके आया है, वो जिस भी दिन जाता है मार्केट फूल लेके आता है, आज थोड़ा सा ज़्यादा लाया है क्योंकि आज फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के दिन अच्छा लगता है कि घर पे मंदिर भी थोड़ा ज़्यादा सजा हुआ रहे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस मंदिर कैसा लग रहा है यहाँ पे। आज मैं थोड़ा जल्दी लंच करने बैठ जाऊँगी, जल्दी मतलब 2:00 इट इज़ मेरा हो गया है, मैं दीपांजन के लिए वेट नहीं करूँगी क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया है एंड सेकेंडली उसका कब मीटिंग ख़त्म होगा कोई ज़्यादा पता नहीं है, और मैं इतना लेट खाती हूँ तो मुझे शाम को बहुत प्रॉब्लम होता है। आज ना खतरनाक सा स्प्रेड है खाने में, दोनों साथ में खा लेते तो सबसे अच्छा होता, बट क्योंकि बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेफ्ट ओवर रह गया है और आज भी जो फ्रेश बनाई हूँ सब मिला के बहुत सारे आइटम्स हो गए छोटे छोटे, दिखा दूँ एक बार। आप लोग प्लीज़ डर मत जाना है, देख के कि कैसे खाओगे इतना कुछ, बट खा लेना पड़ेगा क्योंकि आज रात को हम लोग घर पे नहीं रहेंगे तो जो भी फ्रिज में है सब ख़त्म करना पड़ेगा। ये है लाल साग एमरेंथस, दिस इज़ ब्रॉड बीन्स फ्राइड शीम भाजा, ये है थोड़ा सा दाल और दीपांजन के लिए भी मैं उठा के रखी हूँ, ये कल का एक फ़िश है भेटकी फ़िश जो रह गया था, ये कल रात का 2 पीस चिकन है जो रह गया है जो मीठू बना के गई थी, और ये है आज फिश जो मैं बनाई हूँ, उसके साथ ये है कल का लेफ्ट ओवर राइस। आज रात को हम लोग घर पे नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कल वापस आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में, तो इसलिए फ्रिज में जितना भी खाना है सब ख़त्म कर लेना पड़ेगा, जो भी बना हुआ खाना है वो ख़त्म करके जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा राइस कम खा के बाकी की चीज़ें ख़त्म कर लूँगी। गाइज जैसे मैं बोली थी दोपहर को कि हम लोग आज शाम को कहीं जाएंगे और फिर कल वापस आएंगे, हमारे साथ फ्लाडू क्यू भी जा रही है, तो हम लोग जा रहे हैं पापा के घर, तो मिल भी लेंगे
और बैंगलोर से कुछ चीजें हम लाए थे जो हमारे पास ना दो दो हो गया है। से कुछ सामान जो पापा को जरूरत आएगा वैसी चीज पापा के घर पे देना भी है। गैस ओवन है वो इतना पुराना हो गया, मैं बोलती हूँ कि ये कितना साल पुराना है। मेरे पापा बोलते ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा मतलब कितना 20-25 साल का तो होगा। पापा बोलते नहीं नहीं कुछ ही दिन पहले चेंज किया था, बट उसका बर्नर थोड़ा सा खराब हो गया। अब क्या होता है पापा अकेले रहते हैं, पापा खुद खाना भी नहीं बनाते, उनको लगता है ठीक है चल रहा है चलने दो। तो हमारा जो बैंगलोर से आ गया है हम वही यूज़ कर रहे हैं, और जो रिसेंटली खरीदे थे कोलकाता में वो 2 बर्नर है, तो वो पापा के किचन में बहुत अच्छे से सेट होगा, वो हम पापा को देंगे। और पापा का आयरन भी खराब हो गया है तो वो भी हमारे पास अभी 2 हो गया है। तो मैंने पापा को बोला तुम खरीदो मत, वो वाला मेरा एकदम नया वाला है जो कोलकाता में ली थी वही तुम यूज़ करो, हमने उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। और उसके साथ आज रात को वहीं पे रहेंगे। बहुत लेट हो गया निकलते निकलते क्योंकि काम इतना सारा था, कपड़े सूख रहे थे, चीज़ें पैक करना था, दीपांजन को 3-4 बार आके कार में चीज़ें लोड करना पड़ा है, बच्चों का खाना बनाना था, खिलाना था, पैक करना था। करते करते हमारे निकलते करते 8:30 हो गया, हमने डिसाइड किया था 6:30 को निकलेंगे। कोई टेंशन नहीं है लेट हो रहा है इसलिए, क्योंकि रात को आज वहीं पे रहेंगे, फिर कल सुबह वहां से कहीं और जाएंगे, फिर शाम को पापा के घर वापस आएंगे, फिर वहां से न्यू टाउन वापस आएंगे। ये है हमारा प्लान। अब होपफुली व्लॉग में सब कुछ शेयर कर पाऊंगी क्योंकि बहुत से टाइम होता है मैं सोचती हूँ मैं व्लॉग करूंगी बट फिर मैं करती नहीं हूँ, या तो मेरा किसी चीज़ से मूड ऑफ हो जाता है या तो इसके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है, ये सब कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या मुंह क्यों बना रहे हो? पंजन बहुत झगड़ा करता है, बाप रे बहुत ज़्यादा, मतलब चुप नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे जो लेडीज लोग देख रहे हो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप झगड़ा करते हो तो वो चुप हो जाते हैं, ये ठीक है चलो बोल रहे हो बोलने दो, कुछ देर बाद खुद ही चुप हो जाएगी। पर दीपांजन कभी चुप नहीं होता है, कभी कभी तो मैं चुप हो जाती हूँ, छोड़ो जाने का, आस्ते जाओ ना, की कुछ धीरे चलो ना, तुम बम्पर पे इतना जोर से क्यों जा रहे हो? बम्पर देयर इज नो बम्पर, दिस इज द रोड इज विद द पैच, तो तुम धीरे चलो, ये क्या इतना एकदम उछल कूद के हम जा रहे हैं? ऐसे जाओ, हाँ ऐसे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक टेंशन हो गया था, और आज रात को डिनर वहीं पे करेंगे सब। पापा को मैंने तो बहुत स्मार्टली बोल दिया कि कुछ ऑर्डर तुम मत, कुछ प्रिपेयर मत करना, हम लोग आके ऑर्डर करेंगे, बाहर से खाना खाएंगे, आज ऐसे होली का भी ओकेशन है। तो घर से तो निकली हूँ 8:30 बजे, सोच रही थी यहाँ पहुँच के खाना ऑर्डर करूँगी, फिर दीपांजन ने कहा नहीं आज होली का दिन है रिस्क मत लो अभी ऑर्डर कर दो कार में बैठ के। एक रेस्टोरेंट नहीं आ रहा है, जिसमें भी क्लिक कर रही हूँ दिखा रहा है नॉट डिलीवरिंग एट योर लोकेशन। करते करते फाइनली हमें चाइनीज़ खाना था बट चाइनीज़ कुछ भी नहीं मिला, एक शिराज मिल गया, शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मैंने कहा चलो मिल गया मिल गया, अब बिना इधर उधर देखे 3 बिरयानी पहले ऐड करो और ऑर्डर करो। मामा मामान क्यों 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 है मामान, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कियारा का वो पुराना वाला बेड, इसको भी हम लोग दे देंगे। क्या करेंगे इतने सारे बेड लेके, हमारे घर में रखने का जगह नहीं है इतने सारे बेड। उससे भी ज्यादा पॉइंट ये है कि यूज कौन करेगा, जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे। कियारा तो छूती नहीं है बेड को, कियारा तो अपने बेड में, जो अभी बैंगलोर वाला बेड जो लाए हम उसमें भी नहीं सोती है। कभी कभी एसी ऑन करती हूँ तो सोती है, और फिर हम लोग जैसे ही सोफे मैट आके बैठते हैं वो हमारे पास आ जाती है। और कलकत्ता में हमने उसको 2 बेड खरीद के दिया, दोनों में कितनी नहीं सोती है। ये ऑरेंज वाला में तो सोई नहीं है कभी, और वो जो एक छोटा वाला और एक लिया था उसके ओटी के टाइम उसमें फिर भी सोई है, बट ऑरेंज वाला तो उसने कभी यूज़ नहीं किया। हार्ट बेड जो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे लगा था कियारा को भी पसंद आएगा बट कभी नहीं घुसी है उसमें। आज रोड देखिए होली के दिन पूरा खाली रोड, थोड़ा ट्रैफिक हो गया था, माँ फ्लाई ओवर में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए ट्रैफिक का, बट यहाँ पे आज रोड देखिए अभी रात के, इतना भी लेट नाइट नहीं है, जस्ट 9:16, और 9:16 कोलकाता में कुछ खास रात नहीं है, वो भी फ्राइडे के दिन, एकदम सब कुछ बंद सब खाली। आज तो स्विगी जोमेटो वाले भी नहीं दिख रहे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक अगेन। कल रात को आके और वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, फिर हम लोग फिर गप्पे कर रहे थे, फिर सब ने मिल के डिनर करके फिर हम सो गए। से गुड मॉर्निंग। जब से सुबह हुआ है और विंडोज, रात को तो हमने विंडोज नहीं खोले थे, जैसे विंडोज मिला है उसको वहीं पे बैठी है। फ्लादू गुड मॉर्निंग बोले दाओ, गुड मॉर्निंग, अरे बावली गुड मॉर्निंग मामा, चो ना बाबा क्यों क्या क्या देख क्या रही है वो? पता नहीं, वो एक्चुअली देख रही है कि एक पत्ते के ऊपर ना एंट क्या रहा है, पिपड़े पिपड़े
पिप्पे वही सब देख रही खुद भी तो छोटी सी एंट जैसी है। यहाँ से हट रही है तो वहाँ पे बैठ रही है, वहाँ से हट रही है तो यहाँ पे बैठ रही है। दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, कोई और कैट्स डॉग्स कुछ नहीं दिख रहा है, बट फिर भी उसके यहीं पे बैठ नहीं, बट उसको ये विश्वास है कि यहाँ पे कैट्स आते हैं, वेट कर रही है। हम तो आलसी लोग कल रात को आए हैं, एक बार भी ऊपर नहीं गई है, बट हमारी कियारा 3-4 बार ऊपर से घूम के आई है, पता नहीं क्या गुल खिला के आई होगी वहाँ पे, अभी जाके देखना पड़ेगा। पापा यहाँ पे, बाबा हाय बोलेगा। अभी हम सब उठे और अभी पापा के घर में जब दीदी आती है खाना बनाने, वो खाना बना के चली भी गई, अभी बस 9 बज रहे हैं, घर साफ करके खाना वाना बना के चली गई, अभी इसलिए चाय बन रहा है थोड़ा लेट। और आज ब्रेकफास्ट भी हमने बाहर से ऑर्डर किया क्योंकि पापा बोल रहे थे क्या बनाओ क्या खाओगे, मैंने बोला कोई तकलीफ मत लो, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो शर्मा के जो कचौड़ी है क्लब कचौड़ी वो ऑर्डर करते हैं क्योंकि वो हमारे उस साइड में नहीं मिलता है और वो मेरे कॉलेज टाइम से फेवरेट है। आज का भी हमारा और कुछ प्लान है, दिन जितना आगे बढ़ेगा हम बीच में कहीं जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर रात को यहाँ से निकलेंगे, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल ये वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। मामा की कोते हमें अगर अच्छा लगा है तो क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, फिर शेयर भी करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लरिया ऐसे बड़े बड़े आँख दिखाएगी। सो जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड स्टे पॉसम, बाय बाय।